देखिए, एक बस के अंदर 60 सीटें होती है, ऑन एवरेज एक सीट का होता है कम से कम 10 रुपया। तो उस हिसाब से अगर बस पूरी हाउसफुल होगी तो 600 रुपया एक बस के अंदर एक ट्रिप का मिल जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए अगर, तो दिन में 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे तो काम करेंगे। तो एक ट्रिप का 3 घंटा हुआ था, 18 को अगर हमने 3 से भागाकार किया तो उस हिसाब से दिन में 6 ट्रिप हो जाएगी। और एक ट्रिप का अगर 600 रुपया हो गया तो 6 ट्रिप का 3600 रुपया हो गया। तो उस हिसाब से पूरे दिन के अंदर अगर 3600 रुपया कमाया तो हफ्ते भर में 25,000 रुपये तो चक्कर चला लिया। तो हफ्ते भर में 25,000 रुपये का चक्कर चल गया तो साल भर के अंदर एक बस का जुगाड़ हो जाता कम से कम 12 लाख रुपया। तो एक बस का ही 12 लाख का चक्कर चल गया तो 5-7 बस तो मैं यूँ डाल लूंगा, तब तो लाखों रुपये का हिसाब किताब हो जाएगा भैया। एक बात बता, मोटा मोटा समझा, गणित में अपना हिसाब किताब ठीक नहीं था ना, ओवरऑल कितना हुआ? अरे ओवरऑल तू समझ ले कि करोड़ों रुपए का झोल जुगाड़ है। जाना अमेरिका, जाना करोड़ रुपए। मैं अमेरिका क्या हो गया अब? तो है पागल हो गया क्या? अरे सारा पैसा वैसा बाद में मिलेगा। देख तू क्या मजा आ गया। देख नर्सरी से पेड़ पौधे खरीद के नहीं ले जाने, बस ले जानी है। आगे चलिए, यही बस है। ये गाड़ी है कबूतरों की झाड़ी। और इसे इतना बेल से क्यों सजा रखा है? झिंगा लाला हो की शादी की बारात निकल रही है क्या? ये वो बस नहीं हो सकती दीपक, आप प्रिंसिपल साहब को फोन लगाओ। देखो, एक, ये वही बस है जो विनायक अग्रवाल ने आपको देने को बोला है। दो, प्रिंसिपल साहब आज छुट्टी पर हैं। तीन, आप जल्दी से यहाँ साइन कीजिए। और चार, मास्पीटी, ये मास्पीटी करवा रहे हैं आप बच्चों से, कितना गिनवाएंगे? कितना गिनवाया था तूने? साल का 10-12 लाख। इसे भंगार में भी बेचूं तो लाख क्या, कांच की चूड़ियां भी नहीं खरीद पाऊंगा माँ के लिए। देख अभी कुछ भी नहीं है, उससे कुछ तो होना अच्छा है ना? अच्छा है क्या? अच्छा है यार, मैंने फोल्डिंग सोफा देखा था, फोल्डिंग बस तो पहली बार देख रहा हूं। इसमें तो पहिया भी नहीं है, कम से कम स्कूल को पहिया तो देना चाहिए। स्कूल क्यों देगा, अपनी जेब से डालो। अरे जेब में क्या आदमी पहिया लेकर घूमता है क्या? जब कोर्ट ने स्कूल को ऑर्डर दिया है तो बस तो देनी चाहिए ना पूरी। हाँ तो? तो बस में पहिया होते हैं ना। अरे स्कूल की बस में तो बच्चे भी होते हैं, अब मैं आपको बच्चे कहाँ से दूँ? इतनी मदद की जरूरत नहीं है, इतनी मदद तो बस भरने तक मैं ही कर लूंगा अपने आप की। आप समझ में आया, कोर्ट में बस देने के बाद भी वो जीजू इतना मुस्कुरा क्यों रहा था? ये सब तेरे जीजू का क्या धरा है? जीजू का धर धर के पागल हो जाए। अब इस नारियल का क्या करूँ, अपने सर पे फोड़ लीजिए। खोपरे की गाड़ी बनाई अपने घर में, धंधा शुरू होने से पहले जीजू ने धंधे की नाम कड़ा उतरम संसार सारम। सबके चेहरे खिले हुए हैं, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? मेरे भाई की बस शुरू हुई है, जरा खुश रहिए ना। तेरे भाई की बस शुरू हो रही है तो क्या मैं नाचू? आरती वहाँ चल रही, यहाँ क्यों कर रहे हो? आरटीओ ऑफिस से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है ना, तो यू टर्न को मस्का मारते हैं तो ये नारियल उससे फुड़वा देते हैं। अच्छा, मतलब के इज्जत देने से संतुष्ट हो जाएंगे? आराम से बोलना। मी नारियल ब्रोकर। दम क्यों सूख रहा है? दम लगाकर फोड़ दो नारियल, तुम भी परिवार का हिस्सा हो। नारियल, मी नारियल ब्रोकर। जय बजरंग बली।
मेरा पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट खा गया था। तुझे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। क्या हो गया? अबे मुझे बोला ना तो चींटी की तरह मसल दूंगा। नहीं यार मैं नहीं, मैं गाय को नहीं यार, तू ही नहीं और तू भी क्यों नहीं यार, तू मेरा दोस्त है। इसकी ऐसी कितना अबे अबे अबे, अबे गियर किधर ले जा रहा, कौन से गियर से गाड़ी चलाऊंगा? अबे सुंदर, सुंदर ये कहाँ चला गया? अरे आगे ले गाड़ी। सुंदर क्या रे, अरे ट्रैफिक तो जाम क्या, सब पूछ रहे, गाड़ी हटा भी यहाँ से। सलाम साहब, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन। अबे गाड़ी हटा तो पहले। क्या बाइको वाइफ सारी गर्लफ्रेंड सब ठीक है ना? अरे बाल बच्चों को पूछ यार, मेरे बाल पक गए। पहले तू गाड़ी हटा, यहाँ से ट्रैफिक जाम हो रहा है। अरे कैसे निकालूंगा वो गाड़ी न्यूट्रल में? अरे तो फर्स्ट डाल ना, जा निकल जाए यहाँ से। अरे लेकिन वो अब क्या हो गया सर, मेरा दोस्त है ना, उसका पासपोर्ट चूहा खा गया। अरे उसमें पब्लिक का क्या दोष है, तू गाड़ी हटा। अरे लेकिन मैं क्या करूँ, वो मारने को भागा है। कौन, चूहा? नहीं वो मेरा दोस्त। अरे दोस्त की बात कर रहा है, तू गाड़ी हटा पहले। अरे लेकिन वो आएगा तब निकलूंगा ना, वो तो गियर ही लेकर भाग गया है। ए सुंदर, मुझे सुंदर मत बोल। सुंदर सुंदर बोल के मेरे तलवे मत चाट, मैं कहता हूँ सारी दुनिया जानती है मैं सुंदर हूँ। हाँ किसने बोला आपको? मेरी माँ बोलती है। अच्छा ठीक है, जो भी है, धूप बहुत पड़ रही है, आपका मुँह काला हो जाएगा, एक मिनट अंदर बैठिए, मैं तभी तक सुंदर को बुला के लगे आता हूँ। अरे सुंदर पागल हो गया? मैं पागल हो गया हूँ, जब तक साले को जान से नहीं मार दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साले ने सारे मेरे सपने बर्बाद कर दिए। अबे जाम हो गया, वो इंस्पेक्टर साहब भड़क रहा है, ये लिवर दे मुझको। मुझे चूहे का लिवर कुचलने के लिए लिवर चाहिए। अबे वो इंस्पेक्टर तेरे मुंह में हाथ डाल के तेरा लिवर बाहर निकालेगा। चल छोड़ छोड़, कब तक भागेगा तू? ये है सुंदर। अरे इस बंदर को सुंदर कहते हैं? अब बैठ जा, बस में बैठ जा, चल फटाक चल। अरे ऊपर का जा, उसको ओवरटेक कर लेना है। क्या चल रही है? नमस्ते पंडित जी, नमस्ते। ये मरेगा, चलो जल्दी करो, चलो 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 चलो। बच्चे आराम से स्कूल आया जाया करेंगे। क्या बात है, ये भाई साहब जो खड़े हैं वो भी आराम से ऑफिस पहुंच जाएंगे। हाँ। पुजारी जी भी दुनिया भर का पूजा पाठ किया करेंगे। अपनी बस क्या चली है, कई जिंदगियां संवर जाएंगी। बिल्कुल सच, बाबूजी ने ठीक कहा था। ये काम मुझे बहुत बढ़िया लगा। तू खुश है ना? मैं भी बहुत खुश हूं। लो बस आ गई। आप लोग टैक्सी पे बैठी। मैं शेयर टैक्सी पड़वाड़ेगा नहीं भाई। अरे नहीं नहीं, मैं बस तक पहुंचाता हूँ ना आप लोगों को टैक्सी से। मैं बस का मालिक हूँ भाई। बैठी टिकट 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 टिकट। आप दोनों लवर्स कहाँ जा रहे हैं? हम लोग ससुराल जा रहे हैं। आपके क्या? आपके मेरी हफ्ते भर पहले हमारी शादी हुई है। तब तो इस रूट पे आना जाना लगा रहेगा। पहले दो बच्चे, फिर चार बच्चे, फिर छह बच्चे, व्हाटएवर। बस को ओवरटेक कर ले। इस जेम्स बॉन्ड के क्या कहने यार? ए, ये बस क्यों रोकी तूने? वो नहीं, क्या गांव में मेरी इज्जत खराब कर रहा है? वो पैसेंजर खड़ा है, वो तू निकल लिया सीधा।
आइए 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 दीजिए दीजिए मैं लेता हूँ। अच्छा मालिक थैंक यू। छोटा जीजू मालिक ये आपके जीजू हैं? हाँ वो बसंती लाल को बुला लो, तुम लोग को रोज आने जाने का प्रॉब्लम सॉल्व कर डालता हूँ। हाय जीजू। नमस्ते नमस्ते। मेरा मुंह क्या रेड सिग्नल है जो मेरा मुंह देखते खड़े हो गए आप? RCCLDL निकालो जल्दी। कल रात को दिखाया था ना मैंने आप? टाइम क्या हुआ था? 9 बजे थे रात को। बस 8 बजे निकली थी स्टैंड से। अरे भूल गए आप, वो स्त्री वाले से झगड़ा कर रहे थे, अंडरवेयर में घूम रहे थे। शट अप शट अप, डोंट टॉक इन बिटवीन, आवर लिंक विल बी ब्रोकन। ओके और मैं ड्यूटी पे एक व्हीकल इंस्पेक्टर हूँ, किसी का जीजू बीजू नहीं हूँ। फॉलो मी। हाँ सर। फॉलो मी। ये इनके दिमाग को क्या हो गया रे? कितने पैसेंजर हैं? 50। ज्यादा लग रहे हैं। 50 बैठे हैं, 10 खड़े हैं और दर्जन भर चिल्ले पिल्ले भी हैं। इसका मतलब बस ओवरलोड है। एक्सक्यूज मी, इससे दुगने लोग बस स्टॉप पे छोड़ के आए हैं, क्योंकि इस रूट पे एक ही बस चलती है। लोग चलती बस में अंदर कूदते हैं, देन व्हाट वी विल डू? अरे इस बस का टाइम टेबल आरटीओ को भेजा था? टाइम परमिट भी कहाँ है? बी हाँ बीबी। बीबी इसकी बीबी का क्या काम है? ए शट अप, ये टायर रिटायर्ड लग रहा है। नो इट्स न्यू रीसोल्ड, पैच भी नया लगा हुआ है, देखो कैसा चमक रहा है। लुक सी वॉच, फर्स्ट एड बॉक्स लगा है। हाँ बॉक्स भी, अंदर दवाई भी है। दिखाओ। आई सर। गुरु हाँ? उसके जख्मों पे एक हरी पत्ती चिपका दो। जख्म कौन किसको कहाँ? अरे रिश्वत खोरी का जख्म है, उस पे एक हरी पत्ती का फाया रख दो। मैं अपने जीजू को रिश्वत दूं? उसने बोला ना बाजू हटो, जीजू विजू घर पे बोला ना। बाजू हटो कब बोला? तुम मुझे भड़का रहे हो। मैं भड़का नहीं रहा, वो भड़का हुआ, उसको ठंडा कीजिए, जाइए पानी छोड़िए उस पे। हटो। हाँ खोलो। क्या? अरे फर्स्ट एड बॉक्स खोलो। अरे कुत्ता नहीं चुहा वो। टायर्स ठीक नहीं है। रूल 9B ब्रोकन, गाड़ी ओवरलोड है। रूल नंबर 65D ब्रोकन, मेडिसिन बॉक्स एक चूहा, कुत्ता नहीं चूहा यहाँ पे। मेडिसिन बॉक्स में कुत्ता बचुआ था, इसका रूल नंबर पता नहीं है पर देखना पड़ेगा। बस इट इज ब्रोकन। जीजू जीजू नेशनल परमिट पार्ट बी नॉट शोन, रूल 238 ये ब्रोकन। टाइम टेबल कौन है? कुत्ता कहाँ है? चाय चाय पानी चाय पानी। योर हैंड विल बी ब्रोकन। माय इज्जत इज ब्रोकन। नो माय इज्जत इज ब्रोकन। चाय पानी। शट अप। क्लास ब्रोकन। ये बस अभी के अभी आरटीओ ऑफिस लेके चलो। इस बस का फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसल। जब तक मेरी इजाजत नहीं मिलती तब तक ये बस आरटीओ ऑफिस में बस। ब्रेक फेल। अरे चुप कर, बस चला रहे थे, रॉकेट उड़ा देते थे तुम मुझे। काश ऐसा होता। What? कि ब्रेक टाइम पे लगा होता। अरे लेकिन
आप भी सड़क पर स्टेचू ऑफ लिबर्टी बनकर क्यों खड़े हो? स्टेचू ऑफ लिबर्टी? हाँ भाई भाई भाई, लेकिन अमेरिका हमें जाना है क्या आपको? ये बस लेके जाओगे क्या अमेरिका? अरे हम साइकिल से जाएं, लेकिन सड़क के बीचों बीच खड़े होने क्या खुजली है आपको? ए खुजली मास्टर, ये मेरा काम है। उस दिन मेले के दौरान मैंने इतने इशारे किए रोड साइड से, फिर भी आप लोगों ने बस क्यों नहीं रोकी? नहीं, रोड साइड के इशारों की तरफ हम ध्यान नहीं देते, हम शरीफ हैं। ए, बस क्यों नहीं रोकी? देखिए उस दिन जो मैंने बस नहीं रोकी ना, तो गुरु के बोलने पर नहीं रोकी। नहीं, आप एक बात बताइए, कितने भक्त लोग जो है वो धूप के अंदर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, उन लोगों को छोड़कर हम लोग आपके दर्शन करने के लिए कैसे चले आते? यानी बस ओवरलोड थी। रूल नंबर 113 सेक्शन के ब्रोकन। आपकी बस जब पेट्रोल पंप पर डीजल डलवा रही थी तो कोई गुनाह है क्या? हाँ गुनाह है, बस पैसेंजर से भरी हो गुनाह ही है, समझा? देखिए जीजू, रूल नंबर 93 सेक्शन पी ब्रोकन। देखिए जीजू मेरी बात, ओ मैं तो भूल ही गया था कि आप तो काम करते समय जीजू होते ही नहीं है, तो आप जो कोई भी है, आप जबरदस्ती बाल की खाल मत उतरी है। आपके कहने की वजह से हम लोगों ने बस के चारों टायर चेंज कर दिया, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर कीटाणु मारक गोली रख दी, बस का तो क्या अपना भी टाइम टेबल सुधार दिया। अब हम लोग बारात के घोड़े के सामने भी नोट नहीं दिखाते, अब हमारे 2-in-1 के अंदर आप अपना बैकग्राउंड म्यूजिक में चलाइए ना। 2-in-1 का मतलब तो समझ गए होंगे, मालिक और कंडक्टर। ओहो, कंडक्टर विदाउट बैग, कंडक्टर विदाउट यूनिफॉर्म, सेक्शन 90 ब्रोकन। सेक्शन 90 ब्रोकन। साले को सर फोड़ डालेंगे, साले उल्लू बनाते हैं, इसको तो मैं तोड़ ही डालता हूँ। पागल है क्या तू? जी जाए वो अपना, चला। वाइपर कहाँ है? वाइपर यहाँ है। वाइपर का मतलब जानते हो? हाँ, खतरनाक जहरीला सांप। ड्राइवर, वाइपर है ना साहब, दोनों है ना उधर। रोते रोते चलता है कि त्रिताल झपताल में नाचता है? अरे जैसे भी चलता है, बारिश का मौसम नहीं है, आपको वाइपर से क्या सरोकार है? हाँ, दो दो वाइपर है, एक खड़े खड़े जंग लग गया और दूसरा खड़े खड़े टेढ़ा हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या है वाइपर की? आई अंडरस्टूड, रूल नंबर 65 सेक्शन ओ ब्रोकन। मुझे अभी के अभी वाइपर्स चाहिए। क्यों, खाएंगे क्या? शट अप, आई विल चार्ज। ए बसंती लाल, जाकर वाइपर लाकर इनके चश्मे पे लगा, ताकि इनको अपनी दुनिया साफ साफ दिखाई दे। देखो तुमने मेरा पर्सनल इंसल्ट किया है। संभव ही नहीं है, आप तो प्रोफेशनल टाइम के ऊपर पर्सनल होते ही नहीं है, तो फिर पर्सनल इंसल्ट कैसे होगी? मैं फाइन मारूंगा। फाइन? फाइन मारो या ताना मारो, आप क्या चाहते हैं कि हम लोग सड़क के ऊपर आ जाए? हम लोग सड़क के ऊपर आने के लिए तैयार नहीं है, जो सेक्शन लगाना लगाइए। ओके ओके। अरे बनवारी जी, कंडक्टर का ड्रेस रेडी है या नहीं है? तो क्या ड्रेस बेच खाया, आई मीन ड्रेस बेच पिया? अरे नहीं, वो मेरी बेटी ले गई। अरे बाप, बता कंडक्टर का ड्रेस ट्राई करने के लिए तुम्हारी बेटी क्यों ले गई? अरे वो उसने नहीं सुना ना, वो किसी की नहीं सुनती, ले गई वो। अरे लेकिन मैंने तुमको पैसे एडवांस दिए थे ना, तो मैंने कहा था कि शाम को आकर, मैंने तुमसे कहा था कि तुमको शाम को आकर लेकर जाऊंगा। हाँ तो वो नहीं सुनती ना, कहाँ रहती है वो? चलो चलो बात करते हैं, चलते चलो। च्यवनप्राश में तो बहुत जान है। च्यवनप्राश नहीं, अमृत धारा हूँ मैं, आइए। अरे यार तुम सीधा नहीं चल सकते हो? मेरा सीधा चलना बड़ा मुश्किल है। नौजवानों सीधा चलो जी। वो क्या है कि शराब पीता हूँ ना मैं बहुत ज्यादा। हाँ तो फिर मैं आया ना दुकान पे। यहाँ रहती है? हाँ तो नहीं, ये तो चल रही है। हाँ हाँ चल रही है। तो मैं क्या तुझे पकड़ नहीं पाऊंगी क्या? ये तो गोल गोल पकड़ के रहूंगी तुझे। ये तो गोल गोल घूम रही है। हाँ घूम रही है। तो ये आपकी कौन लगती है? बेटी। तो इसकी टांग खराब नहीं है? अरे इसकी टांग नहीं, आपकी खोपड़ी खराब है। अरे इसका तो बस से एक्सीडेंट हो गया था। हाँ बस का एक्सीडेंट हुआ था, टांग में चोट आई थी, फिर 2-3 दिन अस्पताल में छुट्टी बना के आ गई। लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट तो चल रहा होगा, कोई दवा दारू? अरे इसकी दवा बंद, मेरी दवा चालू है। चलो चलो। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप मेरा कंडक्टर ड्रेस यही ले आइए। क्या है कि अचानक अगर मैं आपके घर आ गया ना, तो आपकी बिटिया को अच्छा नहीं लगेगा। बहुत शरीफ है ना बेचारी। बहुत ज्यादा शरीफ? नहीं 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 नहीं, बहुत ही जरूरत से ज्यादा शरीफ है। जाइए। आजा प्यारे पास हमारे, काय घबरा काय घबरा। बस खड़ी है और दारू चल रही है। तूने टायर वायर कुछ भेज दिया? नहीं नहीं, सुन 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 दीपक, सुन सुन, रुक रुक, सुन सुन।
तू पेड़ मत गिन, आम खा। सीट बीट, इंजन विंजन, टायर वायर सब कुछ अपनी जगह पे है। बस की लाइट चालू है? जुगनू चालू है। मतलब? बस में जुगनू हो शायद। एक जुगनू की इतनी लाइट नहीं होती है? क्या मालूम पूरी जॉइंट फैमिली हो। तू बहके बहके बातें कर रहा है, मुझे बस को देखना पड़ेगा। अरे किसी का चोरी छुपे काम देखना अच्छा नहीं है, बैड मैनर्स। काम जुगनू का है, देख मैं रहा हूँ, तुझे तकलीफ हो रही है। अरे तो आधे घंटे बाद जाना, उन्होंने एक घंटे के लिए कहा था। किसने? काउप्ले। हाँ? COUPLE। कपल? एक मेल एक फीमेल। अबे तूने, तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, दिमाग पे शराब चढ़ गई है। और इन सालों को छोड़ूंगा ही नहीं मैं। अबे घर की आंटी ने पहले ही मेरे नाक में दम कर रखा है, गांव की पुलिस पकड़ लेती तो मेरी नाक कट जाती। पट गया जरा के लिए मैं। ए अंदर वालों बाहर निकलो। हे रुकावट के लिए खेद है।